हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जो है वो बिहार में आए हुए थे लालू यादव के घर पे, तो उनके यहाँ पे उन्होंने लालू यादव जो है अपने तरीके से मटन बना करके खिलाए थे राहुल गांधी को, जो कि बिहारी स्टाइल का होता है। तो उसी प्रकार का आज आपको हम मटन बना करके दिखाने वाले हैं कि कैसे उन्होंने बनाया था। चलिए, उसके लिए मैंने यहाँ पे मटन ले लिया, ज्यादा हालांकि मैंने नहीं लिया है, थोड़ा सा ही लिया है और थोड़ा सा प्याज है। तो इसी का मैं आपको थोड़ा सा रेसिपी दिखा दूंगा, क्योंकि बनाने का तो अभी बहुत ज्यादा भी बना सकता है, लेकिन अभी इसी वीडियो शूट करने के लिए हम थोड़ा थोड़ा लिए हैं और इसका जो फुल मेकिंग प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को लाइक करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और चलिए, वीडियो में आगे का मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूं। तो अभी ये वाला प्याज हो गया, ये मटन को अच्छे से धो लिए हैं, अभी इस प्याज को कट करके उसके बाद मसाला ये सब जैसे डालेंगे, उसके बाद आगे का जो है स्टेप वो आपको मैं दिखाते रहूंगा। तो हमारा प्याज यहाँ पर कट चुका है, जो कि अभी आप देख सकते हैं प्याज को भी अच्छे से मैंने काट लिया है बारीकी करके, और इसको अभी मटन पर डालते हैं, जो कि मटन यहाँ पे है। मटन पर डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से पहले मिला देते हैं। अब ऊपर से इस पर हल्का सा सरसों तेल डालेंगे और फिर उसके बाद इसमें जो है लाल मिर्च डालेंगे, तजपत्ता डालेंगे। इसको प्याज को अच्छे से मिला दिए इसमें, और यहाँ पे लाल मिर्च ले लिए, तजपत्ता ले लिए हैं, तो जो मिर्ची है और उसको इसमें डालते हैं, जो खड़ा मिर्च, खड़ा वाला मिर्च हो गया लाल मिर्च, इसको भी डालते हैं, ये जो तजपत्ता है इसको भी डालते हैं, और यहाँ पे हल्दी है तो हल्दी को भी इसमें मिला देते हैं, पंखा की वजह से उड़ रहा है। और यहाँ पे पिसा हुआ नहीं है, इसलिए पैकेट का हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि घर रहता है तब पिसा हुआ यूज होता है, तो पैकेट का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे धनिया का, धनिया हो गया, और यहाँ पे आदि लहसुन का पेस्ट हो गया, जिसको यहाँ पे लेकर के इसमें आदि लहसुन दोनों मिला हुआ है, तो इसको भी इसमें डाल दे रहे हैं। और ये हो गया लाल मिर्च, लाल मिर्च को भी इसमें डाल के अभी इसको अच्छे से मिलाते हैं, उसके बाद कढ़ाही में सबको डाल देंगे, और हल्का सा इसमें सरसों तेल भी जाएगा। सरसों तेल जाने से क्या होगा कि अच्छे से पूरा मिल जाएगा, तो हल्का सा सरसों तेल डालेंगे। अब इसको मिलाते हैं, तकरीबन एक मिनट मिलाएंगे, उसके बाद कढ़ाई में तेल डालेंगे और उसके बाद इसको चढ़ा देंगे गैस पे। तो देखिए, अभी इसको अच्छे से मिला दिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं पूरे अच्छे से प्याज और मसाला ये सब भी मिल चुका है। गैस अभी हमारा ऑन हो चुका है, अब इस पर डालेंगे कढ़ाई। कढ़ाई भी देख सकते हैं जितना मटन है उसी के हिसाब से है, छोटा सा कढ़ाई है इसलिए ज्यादा मटन नहीं लिया, क्योंकि ये जो छोटा कढ़ाई है इसमें अच्छे से बन जाएगा। तो ये जैसे ही गर्म हो जाएगा थोड़ा देर में, उसके बाद इसमें सरसों तेल डालेंगे, फिर उसके बाद ये तो इसमें अच्छे से मसाला ऐसा मिला हुआ है वो इसमें डाल देंगे। तो अभी कढ़ाई जो है वो गर्म हो चुका है, अब इसमें तेल डालेंगे, इतना तेल में हो जाएगा। इस तेल को डाल के अब इसको अच्छे से चारों तरफ मिला दे रहे हैं। अब थोड़ा देर में जैसे तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद इसमें जीरा डालेंगे, और उसके बाद इसमें तो बाद बाकी का जो मसाला है वो मिला हुआ है। तेल जो है वो गर्म हो चुका है, अब इसमें पहले जीरा डालते हैं। जो लहसुन जो है वो छूट गया था, इसलिए अब इसमें लहसुन भी डाल दे रहे हैं और अच्छे से मिला दे रहे हैं, क्योंकि भूल गए तो लहसुन डालना। अब ये सबको डालते हैं कढ़ाही के अंदर। और अभी इसके ऊपर से नमक भी देना है, नमक तो हालांकि उसी टाइम देना चाहिए था, तो अब इसमें जो है नमक भी डालेंगे, पहले इसको मिला दे रहे हैं। इसमें ऊपर से नमक डाल दे रहे हैं, हम नमक डालने के बाद भी एक बार मिला दे रहे हैं इसको। अब मिला करके इसको ढक देंगे ताकि ये जो है वो पकते रहे। इसको अच्छे से मिला दिए हैं और थोड़ा देर में पकना चालू हो जाएगा, और इसको अभी इससे ढक दे रहे हैं इस थाली से। तकरीबन अभी 5 से 6 मिनट हो चुका है मटन को कढ़ाई में डाले हुए, और अभी देख सकते हैं आप इसका जो है वो रंग अभी से खिलने लगा है, और प्याज भी है वो गलना चालू हो गया, तो उस समय तो गरम मसाला और मीट मसाला नहीं डाले थे। और लहसुन भी देख सकते हैं, लहसुन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है, तभी इसमें गरम मसाला और मीट मसाला डालते हैं। तो अभी एक पॉकेट हम लाए हुए हैं, इसको फाड़ते हैं। ये हो गया मीट मसाला, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा मीट है नहीं। ये हो गया मीट मसाला, और ये वाला हो गया गरम मसाला।
दोनों को डाल के अब मिला दे रहे हैं अच्छे से। डालने के बाद जो अब खुशबू जो है वो बाहर तक आने लगा है। अब इसको फिर से थोड़ा देर के लिए ढक देंगे और तकरीबन वही 15 से 20 मिनट में जो हमारा मटन वो सीज करके रेडी हो जाएगा खाने लायक। तो अभी जो है प्याज को गलने देते हैं थोड़ा देर और इसको फिर से तोप देते हैं। 10 से 15 मिनट हो चुका है और अभी हम कढ़ाई का जो है वो ढक्कन हटाने वाले हैं, जैसे कि जो थाली से ढके हुए इसको हटाने वाले। अभी आप मटन देख सकते हैं, प्याज यहाँ पे जब वो गलना चालू हो गया, मटन का रंगत आप देख सकते हैं, इधर में रोगन जो है वो निकलना चालू हो गया है। तो इसको यहाँ पे डालते हैं और इसको एक बार चला करके आपको दिखाते हैं। देखिए मटन जो है वो भुनाना चालू हो गया है और अभी तक इसमें पानी भी नहीं मिला है। जो भी यहाँ पे अभी ग्रेवी बन रहा है, जो भी आपको दिख रहा है, वो सिर्फ अभी प्याज ही का है, जो कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा से भुना हुआ मटन जो अभी रेडी होना चालू हो गया है। तो अभी थोड़ा देर और लगेगा, उसके बाद जो हमारा मटन वो बन के रेडी हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं अभी से ही काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा है देखने में। तो अभी इसको फिर से थोड़ा देर के लिए ढक देते हैं और थोड़ी देर बाद फिर से खोलेंगे और देखेंगे कि कितना पका है और उसके बाद हमारा जो है वो मटन बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसको ढक देते हैं फिर से। तकरीबन समझिए तो आधा घंटा तक फ्राई करने के बाद अब इसको ढक्कन को हटाते हैं और अभी आपको मैं मटन का जो है रंगत वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा बना है। सो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो है पानी मैंने डाला नहीं था, जो प्याज का जो पानी है वही छूट रहा है और लहसुन भी देख सकते हैं, लहसुन भी पूरा अच्छे से सीज गया। इस हिसाब से मटन का पीस भी जो है वो भी अच्छे से सीज गया होगा और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पानी हल्का सा भी नहीं डाला था। जो भी अभी आपको ग्रेवी दिख रहा है ये प्याज का ही ग्रेवी है। तो अभी हमारा जो मटन है वो बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मटन जो है वो कटना चालू हो गया है। तो अब इस गैस को बंद करते हैं, अभी हमारा मटन जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। जो इसका रोगन है वो जैसे ही थोड़ा देर में जैसे मटन ठंडा हो जाएगा उसके बाद जो है देखिएगा इसका जो कलर है कितना ज्यादा बेहतरीन लगेगा। तो अभी इसको जो है अब बंद करते हैं। अभी हमारा जो फाइनली है वो मटन बन के रेडी हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो मटन है वो बन के रेडी हो चुका है और इसमें पानी नहीं डाले थे, सिर्फ प्याज का ग्रेवी है, जो कि ग्रेवी ज्यादा हुआ भी नहीं है, लेकिन ये जो रस हुआ है वे सिर्फ प्याज का रस है और जो कि आप इसका देख सकते हैं कितना ज्यादा बेहतरीन देखने में लग रहा है और पीस भी है वो भी काफी अच्छे तरीके से सीज गया है। तो अभी खाते हैं और इसका टेस्ट बताते हैं कि कैसा लग रहा है खाने में। और लहसुन भी देखिए, लहसुन भी अच्छे तरीके से पूरा सीज गया है। हमारा जो है वो चावल आ चुका है और अब आ रहा है हमारा जो फाइनली कसा वाला मटन, बिना पानी वाला। देख सकते हैं कितना ज्यादा बेहतरीन देखने में लग रहा है ऊपर से ही। और इसका देख सकते हैं पीस, ये लहसुन हो गया और ये वाला हो गया पीस, जो कि देख सकते हैं हल्का सा छुड़ाने पे हो जा रहा है। अगर इसका देखिए अच्छे तरीके से पूरा सीज भी गया है। तो खाते हैं हल्का सा ग्रेवी के साथ और टेस्ट बताते हैं। काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा है खाने में। तो आप भी इसको ट्राई कीजिए घर पे, बिहारी स्टाइल में है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हल्का सा चावल के साथ भी खा करके बताते हैं। चावल के साथ भी अच्छा लग रहा है और इसका ये सब देख सकते हैं पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से जो है पक चुका है पूरा मसाला भी और पीस भी अच्छे से सीज गया है। वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।